दोस्तों आपको क्या लगता है समुद्र में क्या हादसे नहीं होते? बेशक होते हैं, और जब होते हैं तब उनका परिणाम करोड़ों रुपए की गलती के रूप में सामने आता है। और आज आप ऐसे ही कुछ कमाल के लेकिन हैरान कर देने वाले एक्सीडेंट्स देखने वाले हैं। 28 फरवरी 2019 के दिन एक कार्गो जहाज का कैप्टन, जिसने उस शाम थोड़ी ज्यादा ले ली थी, जिसके बाद उसने अपना रशियन जहाज सीधा ले जाकर साउथ कोरिया के बुसान में बना गुआंगडोंग डे जियो ब्रिज में ठोक दिया। इस फुटेज में आप ये देख सकते हैं कि ये जहाज कैसे सीधा आकर कितनी तेज गति से इस ब्रिज से टकराया। इसके टकराते ही ब्रिज पर चल रही गाड़ियां धमाके के साथ रुक गई। इस हादसे में ब्रिज के साथ साथ जहाज को भी काफी नुकसान हुआ, जिसके बाद कई हजार डॉलर्स का खर्चा करके इस जहाज की मरम्मत करवाई गई। 15 अगस्त 2012 के दिन हांगकांग की एक मछली पकड़ने वाली नाव, जिस पर 14 चाइनीज लोग सवार थे, समुद्र के बीच में मौजूद विवादित इलाके में जा घुसी, जिसके बाद उस नाव को दो जापानी सुरक्षा नावों ने घेर लिया। इन नावों को देख चाइनीज लोगों ने वहां से भागने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद जापानीज नावों ने तुरंत दो तरफ से चाइनीज नाव पर हमला कर दिया, जिसके बाद इस नाव पर सवार हर मछुआरे को पकड़ लिया गया। लेकिन इस टक्कर में तीनों जहाजों का बड़ा नुकसान हुआ। अब जरा इस कमाल की फुटेज को देखिए, जिसमें 28,000 टन वजनी ये जहाज, जिसका नाम MS ऑस्टिन है, वो तुर्की के शिपब्रेकर बंदरगाह पर रुकने की बजाय सीधा जमीन पर आकर लैंड हुआ। ये जहाज सीधा हॉर्न बजाते हुए आगे बढ़ रहा था, ताकि आगे खड़ा हर जहाज वहां से हट जाए। आप यहां गलत ना सोचें, यहां कैप्टन ने कोई नशे नहीं किए हुए थे, बल्कि इस जहाज को जान करके यहां ऐसे जमीन पर लाया गया, क्योंकि अब यह जहाज एक कबाड़ बन चुका था और अब इसे काटा जाना था, इसलिए इसका पक्की जमीन पर लाया जाना जरूरी था। सन 2013 में एक 13 मंजिला क्रूज जहाज, जिसका नाम MSC ओपरा था, वो चलते चलते ही अपने इंजनों से अपना संतुलन खो बैठा, और अब ये जहाज किसी के भी कंट्रोल में नहीं था। ये जहाज सीधा जाकर पास ही में खड़ी छोटी नावें और बंदरगाह की दीवारों से टकरा गया। इस एक्सीडेंट की वीडियो पूरे इंटरनेट पर वायरल हुई। ये जहाज किस तरह से दीवारों से घिसता हुआ आगे बढ़ रहा है, ये आप भी देख सकते हैं। साइड में खड़ी कुछ प्लास्टिक की नावें लगभग पूरी तरह कुचली गई। इतना विशाल शहर जैसा जहाज किसी भी चीज से टकरा जाए तो उसका क्या हाल होगा, ये आप भी सोच सकते हैं। सन 2018 में एक छोटी नाव पर बैठे लोगों ने अपने अपने कैमराज निकाल लिए, क्योंकि अब वो सभी एक 740 फुट लंबे टैंकर को टक्कर खाते हुए रिकॉर्ड करने वाले थे। ये जहाज सीधा जाकर एक पुरानी हवेली से टकराया, और ये हवेली 18वीं शताब्दी से वहां खड़ी हुई थी। ऐतिहासिक होने के साथ साथ ये इमारत कई मिलियन डॉलर्स की थी, जो कि पूरी तरह से इस जहाज द्वारा कुचल दी गई। इस जहाज का नाम वाइटा स्पिरिट था। कमाल की बात ये थी कि इस जहाज को चलाने वाले कैप्टन को ये पता था कि अब उनकी टक्कर होने वाली है, लेकिन फिर भी उन्होंने बिल्कुल अंत में ले जाकर जहाज का एंकर डाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टक्कर के बाद इस बिल्डिंग का कुछ हाल ऐसा हो गया। सन 2017 में टोलुने बोल्ट कैरियर नाम का ये इतना बड़ा जहाज तुर्की के एक छोटी सी पेट्रोलिंग बोट पर जा चढ़ा। ये बोट बिल्कुल इसके सामने चल रही थी, लेकिन कैप्टन को बिल्कुल एहसास ही नहीं हुआ कि इसके आसपास कुछ ऐसा चल रहा है। टक्कर के बाद पेट्रोलिंग बोट आधी पानी में डूबते हुए वहीं पलट गई। इस टक्कर के बाद ये जहाज वहां नहीं रुका, और कैप्टन को तो पता भी नहीं चला कि उसके जहाज से कुछ टकराया है। एक बड़े जहाज पर बुरे से बुरा क्या हो सकता है? बेशक आप ये बात हैरानी से सोच रहे होंगे, और आपके दिमाग में सिर्फ यही आ रहा होगा कि जहाज कहीं डूब ना जाए। लेकिन इतना बड़ा समुद्र तो नहीं, पर जहाज में आग भी लग सकती है, और समुद्र में चलने वाले जहाजों के लिए ये बहुत आम बात है। मार्च 2006 में स्टार प्रिंसेस नाम के इस क्रूज जहाज में मौजूद एक पैसेंजर कैबिन में आग लग गई। इस आग का तुरंत कैप्टन को पता चल गया, और उन्होंने इमरजेंसी अलार्म दबाया। जहाज में मौजूद सभी लोग सुरक्षित जगहों पर इकट्ठा हो गए, और सभी एक दूसरे से पूछने लगे कि क्या हुआ है। इतनी भीड़ को देखते हुए जहाज पर मौजूद स्टाफ ने लाइफ बोट तक पानी में उतार दी। उसमें लोग बैठकर वहां से चल भी दिए, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि जो आग लगी थी वो कुछ ही मिनटों में बुझाई जा चुकी थी। असल में ये आग एक पैसेंजर के द्वारा जलती हुई सिगरेट फेंकने की वजह से लगी थी। इस दुर्घटना में कुल 150 कमरे आग में जलकर राख हो गए, वहीं 100 से ज्यादा लोग धुएं की वजह से सांस लेने में तकलीफ महसूस करने लगे। इस पूरे हादसे में एक आदमी की जान चली गई, क्योंकि वो आदमी एस्फिक्सिया नाम की बीमारी से पीड़ित था, जिसमें थोड़ा सा धुआं भी शरीर के लिए जानलेवा बन सकता है।
24 फरवरी 2020 के दिन एक बहुत बड़ा ऑयल टैंकर स्टेलर बैनर जो कि गलती से पानी की बजाय जमीन पर आ गया था, लेकिन उसे वापस पानी पर खींच लिया गया। लेकिन पानी में उतरते ही ये जहाज कुछ इस तरह से एक साइड झुक गया। जहाज के सारे क्रू को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद सबसे पहला काम था इस जहाज में मौजूद 3500 टन कच्चे तेल को बाहर निकालना। इसके अलावा इस जहाज में 2,75,000 टन आयरन और भी भरी हुई थी। बदकिस्मती से तेल के अलावा कुछ और बाहर नहीं निकाला जा सका। देखते ही देखते ये जहाज पूरी तरह से समुद्र में डूब गया। जरा सोच कर देखिए, लगभग 4.5 लाख टन का ये जहाज आपकी आंखों के सामने डूबे तो आप क्या करेंगे। इसके डूबते समय पैदा हुई आवाज सच में दिल दहला देने वाली थी। इस बात से ये भी सिद्ध होता है कि इंसान प्रकृति के आगे कुछ भी नहीं है। 7 अक्टूबर 2019 के दिन सीएसएल वर्जीनिया का कंटेनर जो कि समुद्र में अपने रास्ते पर चल रहा था, और तभी फेरी यूलिस नाम के इस जहाज ने इसको टक्कर दे मारी। इस टक्कर में सीएसएल में एक बड़ा छेद कर दिया। बदकिस्मती से उस समय इस टैंकर में कच्चा तेल भरा हुआ था जो कि समुद्र में फैल गया। फैलने के बाद अगली सुबह ये तेल बीच के किनारों पर बने घरों में भी जा घुसा। लेकिन ये हादसा क्यों हुआ, इसका कारण था इंसानी गलती। फेरी का वॉच ऑफिसर अपनी ड्यूटी छोड़कर फोन से अपने घर पर बातें कर रहा था, जिस वजह से उसने देखा ही नहीं कि सीएसएल बीच समुद्र में अपना एंकर डालकर खड़ा हुआ है। इस टैंकर की सभी लाइट्स तक जल रही थी जो दूर से ही देखी जा सकती थी। आप शायद विश्वास ना करें, पर इस टक्कर के बाद ये दोनों जहाज एक दूसरे से कुछ ऐसे जुड़े कि इनको अलग करने में पूरे 5 दिनों का समय लगा, और इसे जो नुकसान हुआ उसकी तो भरपाई आज तक नहीं की जा सकी। हमारा अगला जहाज़ों के साथ हुआ एक्सीडेंट बहुत महंगा था, क्योंकि इसमें $39 मिलियन की एक यॉट शामिल थी जिसका नाम था योगी। हेलीकॉप्टर से ली गई एक फुटेज में ये देखा जा सकता है कि ये आलीशान यॉट कैसे समुद्र में एक साइड झुकी हुई है। बदकिस्मती से ये यॉट खराब मौसम का शिकार हुई। किस्मत से समय रहते पूरे क्रू को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन जांच में सामने आया कि ये यॉट खराब मौसम के अलावा अपना एक इंजन खो चुकी थी, और उस इंजन में इतनी गर्मी पैदा हुई कि मजबूरन वेंटिलेशन दरवाजा खोलना पड़ा, और ये दरवाजा खुलते ही इंजन रूम में पानी घुस गया, और पानी घुसते ही दूसरा इंजन भी फेल हो गया, और ये आलीशान यॉट पूरी तरह से समुद्र में डूब गई। मार्च 2013 में एक वीडियो फुटेज निकलकर सामने आई जिसमें दो कार्गो जहाजों को आपस में टकराते हुए देखा गया। इसमें सबसे बड़ा जहाज जो कि 58,000 टन का था, वो एक छोटे वियतनामी जहाज को टक्कर मार रहा है। हॉर्न बजाते हुए ये जहाज आगे बढ़ा और छोटे वाले जहाज से जा टकराया, और इस टक्कर में वियतनामी जहाज की पूरी दिशा ही बदल गई। सुरक्षात्मक जहाजों को बुलाया गया, लेकिन किस्मत से इसमें कोई घायल नहीं हुआ। लेकिन हमको ये पता है कि इसमें जरूर दोनों ही जहाजों का बड़ा नुकसान हुआ होगा। कई बार इन जहाजों के हादसे समुद्र में ही नहीं होते, क्योंकि खड़े खड़े भी ये जहाज आपस में जा टकराते हैं, और 2016 में कुछ ऐसा ही हुआ। 610 फुट लंबा ये कंटेनर जहाज अपने निर्धारित समय से पहले ही अपने आप चलने लगा। हंसा कॉन्स्टिट्यूशन नाम का ये जहाज अब बिना रुके सीधा एक फुटबॉल फील्ड की ओर बढ़ रहा था। किस्मत से समय रहते जहाज का एंकर गिरा दिया गया, और ये जहाज बस टकराते टकराते बचा। जुलाई 2013 में मॉल कंफर्ट नाम का ये कार्गो जहाज जिसमें 4,382 बड़े कंटेनर्स और 7,041 छोटे कंटेनर्स लदे हुए थे, जो कि सभी सिंगापुर से सऊदी की ओर यात्रा कर रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों ये जहाज इतना भार सहन नहीं कर पाया, और बीच समुद्र में ही इसने टूटना शुरू कर दिया। किस्मत से समय रहते पूरे क्रू को जहाज से बचा लिया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद ये जहाज दो हिस्सों में टूट गया, जिसके बाद इसने आग पकड़ ली और समुद्र में डूब गया। यह हादसा सच में दिल दहला देने वाला था। दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है शुभकरण सिंह को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट्स में पिक में लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोज में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दिया जाएगा। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे हैरान कर देने वाली घटना कौन सी लगी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।